आज मैं आपको ये फेस्टिव वेयर डिज़ाइनर बॉय कुर्ता बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। और इस वीडियो में मैं आपको एक इजी मेथड बताऊंगी जिससे आप किसी भी साइज़ का कुर्ता आसानी से कट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुर्ता बनाने के लिए मैंने 1 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह फैब्रिक के 2 पार्ट्स लिए हैं और अब इन दोनों पार्ट्स को इस तरह फोल्ड करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ ऊपर 1 इंच पे निशान लगाएंगे बैक पार्ट के लिए। बैक पार्ट हमारा 1 इंच बड़ा होता है फ्रंट पार्ट से जब हम कॉलर नेक कुर्ता बनाते हैं, तो इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे बैक पार्ट के लिए। अब इस लाइन को यहाँ से स्ट्रेट करेंगे और अब आप जिस भी साइज़ का कुर्ता बना रहे हैं उस नाप का एक शर्ट या कुर्ता आपको अच्छे से फोल्ड करके कपड़े पे इस तरह रखना है, इस तरह। और अब हम कुर्ते की लेंथ लेंगे। तो मेज़र टेप को शोल्डर पर रखकर नीचे घुटने तक आपको जितनी लेंथ चाहिए उतनी आप रख सकते हैं। मैंने कुर्ते की लेंथ रखी है 21 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 23 इंच मैंने कुर्ते की लेंथ ली है। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो जो ये हमारी स्लीव का जॉइंट है यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे और अब आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो स्लीव को इस तरह फोल्ड करेंगे और हाथ को हम आर्म होल पर रख के इस तरह आर्म होल की मार्किंग करेंगे, इस तरह। और अब हम यहाँ साइड से 1 इंच बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर एक मार्क करेंगे इस तरह और यहाँ से साइड से 1-1 इंच बढ़ाएंगे नीचे बॉटम तक। अब इन सभी निशान को ज्वाइंट करते हुए इस तरह स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो इस तरह देखिए मैंने साइड से 1 इंच बढ़ाया है। 1 इंच की मैंने इसमें लूजिंग रखी है नीचे तक, आप चाहे तो 1.5 इंच की भी लूजिंग रख सकते हैं। अब शर्ट को हम अलग रखेंगे। अब इन निशान को ज्वाइंट करते हुए आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे, इस तरह। अब यहाँ से हम नीचे तक चाक के लिए निशान लगाएंगे। तो ये कुर्ता मैं 3 से 4 साल की बेबी के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे 10 इंच पे मैं चाक यानी कट का निशान लगा रही हूँ। अब इस कट से यहाँ ऊपर तक हल्की सी कमर में इस तरह गोलाई देंगे। अगर आप चाहें तो इसे स्ट्रेट भी रख सकते हैं या हल्की सी कमर में गोलाई दे सकते हैं। अब यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक की चौड़ाई में रखूँगी 2.25 इंच। और फ्रंट नेक डीप रखूँगी मैं 2.5 इंच पे और बैक नेक डीप रहेगा 1 इंच पे। अब इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर इस तरह राउंड नेक ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक होगा और ये 1 इंच पे हमारा बैक नेक होगा, इस तरह। और अब हम इस कुर्ते की कटिंग करेंगे। अब यहां से हम बैक नेक को कट करेंगे पहले। और अब इसमें से बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे। और सबसे पहले अब जो ये लाइन के ऊपर का हिस्सा है इसे हम कट करेंगे, क्योंकि 1 इंच हमने सिर्फ बैक पार्ट में बढ़ाया था। और अब इसका फ्रंट नेक भी कट कर लेंगे और अब शोल्डर से 1/2 इंच डाउन करेंगे, इस तरह। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसके ऊपर अब फ्रंट पार्ट को रखेंगे, अच्छे से मिला के दोनों पार्ट्स को रखेंगे और बैक पार्ट से भी 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। इस तरह। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। मैंने फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। अब हम इस फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करेंगे। तो ये फैब्रिक अब हमारा 4 फोल्ड है। अब हम स्लीव की लेंथ लेंगे। तो मेरी स्लीव की रेडी लेंथ है
14 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 16 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। और अब हम फिर से अपनी शर्ट लेंगे और इस तरह स्लीव को यहाँ पर सेट करेंगे, जो फोल्डेड साइड है स्लीव की वो फोल्डेड साइड रखेंगे फैब्रिक की, और इस तरह हम स्लीव को अच्छे से सेट करेंगे। और अब यहाँ स्लीव के जॉइंट के पास एक निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ साइड में नीचे की तरफ लगाएंगे, और यहाँ साइड से भी हम एक इंच बढ़ाएंगे जिस तरह हमने कुर्ते में बढ़ाया था, तो यहाँ पर भी एक इंच पे निशान लगाएंगे। और अब स्लीव को फोल्ड करके इस तरह आर्महोल के लिए निशान लगाएंगे। और अब इन सभी निशान को ज्वाइन करते हुए आर्महोल का शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे स्लीव की बॉटम है 3.5 इंच, तो मैं 4.5 इंच ले रही हूँ, 1 इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा इस तरह। अब इन दोनों निशान को इस तरह ज्वाइन करेंगे और अब स्लीव की कटिंग कर लेंगे। और स्लीव के सेंटर में भी एक कट लगाएंगे। तो इस तरह हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो पहले हम इसमें प्लेकेट बनाएंगे। तो इस तरह इस फ्रंट पार्ट को फोल्ड करेंगे और अब प्लेकेट की लेंथ ले रही हूँ मैं 7 इंच, तो 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और अब 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस तरह। और अब यहाँ पे कोने पे एक कट लगाएंगे और अब इसे सेंटर से कट कर लेंगे इस तरह। तो देखिए इस तरह हमने यहाँ पे सेंटर में कट लगाया है। और अब हम 2 स्ट्रेट पट्टी लेंगे पट्टी की चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है इसकी 9.5 इंच। अब हम दोनों पट्टी को इस तरह दोनों तरफ रखेंगे और 1/2 इंच पट्टी को बाहर की तरफ एक्स्ट्रा रखेंगे। अब दोनों पट्टी को सिलाई लगा के अटैच करेंगे, तो जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ तक ही हमें स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह हमने दोनों पट्टी अटैच कर दी है। और अब इन पट्टी को बाहर की तरफ इस तरह टर्न करेंगे और अब इस पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो जो मार्जिन है इसे हम इस तरह प्रेस कर लेंगे और पहले इसे 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और फिर से इसे इस तरह दोबारा फोल्ड करेंगे। और अब हम यहाँ किनार पे सिलाई लगा लेंगे। और अब नीचे से एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे, देखिए इस तरह। और सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी पट्टी को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए दोनों पट्टी मैंने फोल्ड कर ली है और अब इन दोनों पट्टी को इस तरह ओवरलेप करेंगे और जो नीचे एक्स्ट्रा पट्टी है इसे इस तरह त्रिकोण में फोल्ड करेंगे और नीचे से इस पॉइंट को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे कुर्ते के। और अब यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा के प्लेकेट को लॉक करेंगे।
और ऊपर की एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा प्लेकेट बन गया है और बैक साइड से भी बिल्कुल फिनिशिंग से बना है। और अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को मिला के शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो देखिए शोल्डर भी ज्वाइंट हो गए हैं और अब हम इसकी कॉलर कट करेंगे। तो इसके लिए हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो कुर्ते को इस तरह फोल्ड करेंगे और आगे से इसे पिनअप कर लेंगे ताकि नेक आगे पीछे ना हो। और अब हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए यहाँ प्लेकेट से हम मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। तो इंच टेप को यहाँ पर रखेंगे और इस तरह धीमे धीमे गोलाई में घुमाएंगे। नेक को हमें नहीं खींचना है, सिर्फ मेजर टेप को घुमाना है। और यहाँ 7 इंच पे इसकी कॉलर आ रही है, 14 इंच की हम इसमें कॉलर कट करेंगे। तो ये मैंने एक बुकरम का पीस लिया है जिसे मैंने डबल फोल्ड किया है। इस बुकरम की लंबाई है डबल में 8 इंच और चौड़ाई है 4 इंच। अब हम यहाँ फोल्डेड साइड से इस तरह 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह गोलाई में शेप देंगे। अब कॉलर की चौड़ाई लेंगे। तो कॉलर की चौड़ाई ले रही हूँ मैं 1 इंच। तो इस तरह 1-1 इंच में निशान लगाएंगे। और इन सभी निशान को गोलाई में ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह। और अब हम हमारी कॉलर मेजर करेंगे। तो 7 इंच की हमारी कॉलर थी। तो इस तरह टेप को रखते हुए कॉलर को मेजर करेंगे और 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और अब यहाँ कोने से हल्की सी गोलाई देंगे। तो इस तरह हमें कॉलर ड्रॉ करनी है और अब हम इसे कट कर लेंगे। और अब इस कॉलर को फैब्रिक पर चिपका लेंगे प्रेस करके। तो देखिए मैंने कॉलर को फैब्रिक पर चिपका लिया है और नीचे से 1/2 इंच फैब्रिक रखा है फोल्ड करने के लिए। तो अब इस फैब्रिक को नीचे से फोल्ड करके यहाँ से स्टिच करेंगे। और अब इस फैब्रिक को फिर से इस तरह फोल्ड करेंगे और अब कॉलर की ऊपर की तरफ पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमें कॉलर के ऊपर नहीं लगानी है, साइड साइड में लगानी है। और अब एक्स्ट्रा के फैब्रिक को कट कर देंगे और कॉलर के पास राउंड में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और अब इस कॉलर को सीधी कर लेंगे और सीधी करके इसे अच्छे से एक बार प्रेस कर लेंगे। और अब जो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी कट करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। और अब इस कॉलर को इस तरह फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगाएंगे। और अब हम इस कॉलर को कुर्ते पर अटैच करेंगे। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए कॉलर को उल्टी साइड रखेंगे कुर्ते के और यहाँ सेंटर से अब सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले एक तरफ सिलाई लगा लेंगे और सेम इसी तरह अब दूसरी साइड भी कॉलर के सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कॉलर हमारी अटैच हो गई है और अब इस कॉलर को सीधी साइड टर्न करेंगे
तो सीधी तरफ इसे टर्न करेंगे और जो सिलाई मार्जिन है उसे कॉलर के नीचे दबाते हुए यहाँ कॉलर के किनारे पे सिलाई लगाएंगे। और अब इस सिलाई को घुमाते हुए ऊपर की तरफ भी टॉप स्टिच लगा देंगे। तो देखिए इस तरह हमारी परफेक्ट राउंड कॉलर अटैच हो गई है और अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव की बॉटम को मैंने आगे से डबल फोल्ड कर लिया है और अब स्लीव के सेंटर और शोल्डर के सेंटर को बराबर मिलाते हुए इस तरह स्लीव रखेंगे और सिलाई लगा के दोनों स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव भी ज्वाइंट कर ली है और अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड आधा इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने फिटिंग की मार्किंग कर ली है और अब यहाँ स्लीव से नीचे कट तक हम दोनों साइड ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने कुर्ते की दोनों साइड ज्वाइन कर ली है और अब हम इसके चाक फोल्ड करेंगे। तो जिस तरह हम कुर्ती में चाक फोल्ड करते हैं उसी तरह दोनों साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह हमें दोनों साइड और बॉटम फोल्ड कर लेने हैं। तो देखिए मैंने दोनों साइड फोल्ड कर ली है और कुर्ते में गाज बटन भी कर लिए हैं। तो अब ये कुर्ता बनके तैयार है।